नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। थमने का नाम नहीं ले रहा दलवी कॉलोनी में लगे गेटों का मामला। कुछ दिन पूर्व नगरपालिका द्वारा दलवी कॉलोनी वासियों को नोटिस जारी भी किया गया था कि किस परमिशन से ये गेट लगाए गए हैं, जिसके बाद दलवी कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका में आकर हंगामा भी किया। उनका कहना था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए ये गेट लगा रहे हैं। इसके बाद आज दलवी कॉलोनी के पीछे की कॉलोनी के निवासी एक बार फिर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां उनका कहना था कि ये गेट लगाए गए हैं, वह बिना परमिशन के लगाए गए हैं। उनका कहना था कि ये कॉलोनी कोई कवर्ड कॉलोनी या टाउनशिप नहीं है जो गेट लगे। वहीं कॉलोनी में पूरे काम नगरपालिका द्वारा कराए गए हैं, चाहे रोड हो या नालियां या फिर लाइट की व्यवस्था हो। तो फिर कैसे कॉलोनी वासी यहां पर गेट लगा सकते हैं? कोई बाहर से आता है तो उस पर गेट पर आधार कार्ड मांगे जाते हैं, और कोई मरीज या बीमार होता है तो उसे भी वहां से नहीं निकलने दिया जाता। कॉलोनी में जो गेट लगे हुए हैं ना तो उनने कोई परमिशन ली है। आज सरकारी रोड पे सरकारी जगह में कोई भी काम करूंगा तो या तो कलेक्टर से परमिशन लूं या नगर पालिका से परमिशन लूं। उनने परमिशन ली है क्या गेट लगाने की? और या कोई जे टाउनशिप होती तो आप गेट बिल्कुल लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जे के पर्सनल जगह किसी की नहीं है, नगर पालिका की हमारी रोड है, वहाँ पर नगर पालिका की लाइट है, नगर पालिका की नाली है, फिर क्यों लगा रहे हैं जी? वहाँ पर सफाई नगर पालिका कर्मचारी कर रहा, उन्होंने पर्सनल लगा ली। अब एक चोरी होने या कुछ होने के कारण आप लगा रहे, आपको कहीं चोरी हो रही, कुछ हो रहा, मेरे खुद के 3 प्लाट उसके अंदर पड़े हैं, जो लोग इनमें इनके ही प्लाट हैं, तो क्या गेट लगा लेंगे क्या हम लोग? मेरे को भी मेरे गेट लगने से आपत्ति है। पीछे के मोहल्ले वाले आ रहे हैं, बच्चे निकल के कल जा रहे थे, एक की तबीयत खराब थी तो रात को 12 बजे गया, वो बोल रहा है कि आधार कार्ड लेके आओ, वो दिखा, उसको निकलने नहीं दिया। अब ऐसे में कोई निकलने वाला राहगीर खत्म हो जाए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम उसको, तो उसका जवाबदार कौन होगा? प्रशासन होगा क्या? कल हम हनुमान चौराहे पे गेट लगा ले तो प्रशासन लगा नहीं देगा क्या? तो ये तो प्रशासन कलेक्टर साहब को जवाब देना है, या फिर कल के दिन जो बच्चे कोई भी कुछ वहां पर उदम कर दें या कोई अप्रिय घटना कर दें, गार्ड के जो गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है तो कुछ कर दे, तो उसका जवाबदार प्रशासन की होगी, जवाबदारी पूरी प्रशासन जवाबदारी ले, या प्रशासन कहते कि कहीं पर भी गेट लगा सकते हैं। मैं कल मेरी गली में गेट लगाना चाहूं तो दोनों तरफ गेट आ सकता हूं, मंजूरी दे दे। हम लगा बाला भेंट में प्रथम बार विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नवदुर्गा युवा मित्र मंडल एवं समस्त ग्रामवासियों के अपार सहयोग से श्री माता को 20 बीजा देवी पर 51 मीटर चुनरी चढ़ाई गई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी ने किया शस्त्र पूजन। आरोन शहर के गायत्री मंदिर में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान युवतियों ने हाथों में तलवार एवं दंड लेकर प्रदर्शन भी किया। दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका कुमारी सतकीर्ति दीक्षित ने बताया कि युवतियों को स्वयं की सुरक्षा की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर शहर में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया था। ईश्वर की एक अद्भुत शक्ति व्याप्त है, वो स्वयं में ही शक्ति है, उन सभी को मेरा नमन और माँ गायत्री के चरणों में मेरा प्रणाम, क्योंकि हम गायत्री के प्रांगण में ही आज उपस्थित हुए हैं। और विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता बंधु और जो भी दायित्वान बंधु हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मातृशक्ति के काम की एक भव्य शुरुआत हुई है, शुरुआत वैसे छोटे से होती है लेकिन इन्होंने तो एक बड़े रूप में शुरुआत यहाँ पर की है। हेतु यही है कि हमारे यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञान महिलाओं को मिलना बिल्कुल जरूरी था, जैसे कि आज हम उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले से था।
अब ये समझना होगा कि आज हम कहीं कहीं ये लगता है ना कि हमें अधिकार नहीं है या महिलाओं को अधिकार नहीं था पढ़ने का, परंतु हम कैसे मान लें कि अधिकार नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो जो पहले की परंपरा रही वैदिक, उस समय में भी सारे अधिकार थे, तभी तो माता शबरी गुरुकुल चला पाती थी क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त की हुई थी। भजनों की सुपरस्टार राम जानकी मंदिर समिति जागरण के द्वारा मां वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई, जिसमें मां वैष्णो देवी विराजमान है। साथ ही भैरवनाथ एवं भगवान शिव जी की शिवलिंग भी बनाई गई। श्री राम जानकी मंदिर झांकी द्वारा शिव पार्वती जी की विवाह का भी आयोजन एवं शंकर जी बारात निकाली गई। भक्तों द्वारा एवं ग्रामवासियों द्वारा बड़ी धूमधाम से इसका आयोजन किया गया। ये झांकी 20 वर्षों से लगातार लगाई जा रही है एवं इसमें दूसरे ग्राम के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज के कार्यक्रम में झागर चौकी प्रभारी सुरेश शर्मा एवं समस्त स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। तो ये झांकी जो लगाई जा रही है कितने सालों से लगाई है? ये लगभग 20 वर्ष। तो हर बार इसी तरह प्रोग्राम किए जाते हैं? नहीं, ये प्रोग्राम हमने पिछले वर्ष से स्टार्ट किया है और होलीपुरा झांकी समिति जागर और श्री राम जानकी मंदिर झांकी समिति जागर, इन दोनों ने मिल के एक गांव में संदेश दिया कि हम अलग अलग झांकी बनाते हैं लेकिन साथ में एक सार्वजनिक काम किया जाए जिसमें सभी झांकी वाले सम्मिलित हों, इसलिए ये कार्यक्रम हमने रखा है। और पिछली वर्ष भी इसी तरह भगवान शिव शंकर की इसी तरह बारात होलीपुरा झांकी समिति जागर की तरफ से श्री राम जानकी मंदिर पर, और यहाँ पर भगवान का विवाह किया जाता है, भगवान का विवाह हो जाता है। बड़े उत्साह से ग्रामवासी सभी युवा आसपास के धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो करीब आप लोगों कितने लोगों की टीम है? दोनों झांकियों में लगभग 30 से 35 आदमी है, 30 से 35 कार्यकर्ता हैं जो लगातार हमेशा से यही है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? आसपास के लगभग 26 गांव से आए। 26 गांव। और आज इस कार्यक्रम में हमारे चौकी प्रभारी श्री सुरेश शर्मा जी भी उपस्थित हुए। माइकल जुमा ने किया BCC सेल का शुभारंभ। आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन में यूनिसेफ के फील्ड ऑफिसर डॉक्टर माइकल जुमा ने व्यवहार परिवर्तन संचार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यूनिसेफ के सलाहकार प्रवीण सारस्वत, BMO डॉक्टर के श्रीवास्तव, महिला सशक्तिकरण अधिकारी अतिराज सेंगर, BM प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कश्यप, ब्लॉक मोबिलाइजर भूपेंद्र पवार, डॉक्टर KP रघुवंशी के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। व्यवहार परिवर्तन संचार कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। इस हेतु ब्लॉक के 20 आंगनबाड़ी से आरोग्य केंद्रों को प्रथम सूचना केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर गर्भवती महिलाएं, किशोरी तथा बालिकाओं तथा समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागृत किया जाएगा। BCC सेल का संचालन ब्लॉक स्तर पर भूपेंद्र पवार के निर्देशन में होगा। ये भाई साहब
So I hope that especially with the inauguration of this cell, we've been in a position to pick up some of the IEC material to influence the behavior of people so that they can actually take up more of the wash component, especially sanitation and hygiene. It's very, very critical. Educate about the washing habits. Sir, we are educating a very specific program and health is only ethical screening at village level. Right. So it's the very strong IPC tool at village level. Right. It is ethical, you know. Ethical. Yes. Ethical for life. For life, there are a series of movies developed on these issues. So it is developed by UNICEF and now they are screening it in the village. Okay, perfect. And have they also taken the interpersonal communication appropriate sanitation requirement to make it wash compliant? ठीक है सर, कह रहे हैं कि कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज पर जो चीज़ें होनी चाहिए बाउसर सैनिटेशन की, उनको उनको कैसे जो गैप है उनको फिल कर सकते हैं, कैसे उनको बेहतर कर सकते हैं, इस विजिट का वही पर्पज था। तकनीकी सहयोग यूनिसेफ दे रहा है तो उसमें जहां गैप्स हैं वो बताना और उनको फिल करना। एक्चुअली सर यूनिसेफ से जो सर आए हैं ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं? सर मध्य प्रदेश का जो चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस है, मध्य प्रदेश यूनिसेफ का जो यूनिट है उसको हेड कर रहे हैं। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्र सरगोंसी की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही बमोरी विधानसभा के सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया गया, जिनमें पोलिंगों की कंडीशन ने शौचालय व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं जहां भी कमियां नजर आई, खिड़की दरवाजे और पोलिंग बूथों के शौचालय सहित जो भी कमियां दिखाई दी उनको मरम्मत के निर्देश प्रभारियों को दिए गए। बमोरी विधानसभा में 264 पोलिंग बूथ हैं। विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जो मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और इसमें जो है रैम की स्थिति सुधरवाने, शौचालय सुधरवाने, साफ सफाई पुताई की व्यवस्था करनी, ये सारे निर्देश दिए गए और मतदान केंद्र दो गेट बनाया जाना संभव जहाँ भी है और दो गेट बनाने के लिए निर्देश दिए गए। बमोरी के मोहल कॉलोनी से गायब नाबालिग के परिजन आज पहुंचे एसपी कार्यालय। बमोरी के मोहल कॉलोनी निवासी एसपी कार्यालय पहुंचे तथा नाबालिग के अपहरण के आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की। वहीं परिजनों ने बताया कि उन्होंने पुलिस में जो आरोपी लड़की के साथ ले गया उसका नाम एवं पता भी बता दिया है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज सभी परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे। लड़की 10 तारीख को गुम हो गई रात की 9:30 बजे, तो हमने पुलिस थाने में FIR भी करवाई है। पुलिस बता दी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। किस थाने? बमोरी थाने। किस गांव पे हो? मोहल कॉलोनी। लड़की की उम्र कितनी? लड़की की उम्र 16 साल एक माह हो गया पूरा 12 तारीख को। कितनी तारीख को खोई? 10 तारीख को। कहाँ, किस जगह से ये लापता? मोहल कॉलोनी, घर से ही। घर से ही लापता हाँ। हुई, उसके बाद कोई कार्रवाई आपके द्वारा? और कार्रवाई FIR की गई है। अपहरण किसी सके क्या? तुम्हें सगे उसका बता भी दिया। क्या नाम बता? धर्मेंद्र नाम है लड़के का। पूरा नाम बता। फोटो भी है उसका लड़के का। पूरा नाम बता। धर्मेंद्र हिरवार, पिता का नाम। वो भी गायब है? वो भी गायब है। वो बोल रहा है मैं नहीं लेगा। बता दिया, पुलिस ने कार्रवाई की है, फोन भी टेस्ट करवाए और कार्रवाई के लिए हम यहाँ है कि कॉल रिकॉर्डिंग उनकी निकाली जाए पूरी। लड़की नाबालिग है? नाबालिग में आ रही 16 साल। हम ये चाहते हैं हमारी लड़की वापसी आए। और कुछ गहने वगैरह सोने के थे, जेवरात 5 तोला सोना था और 30,000 रुपये नकदी लेके गई। जिला स्तरीय कालिदास समारोह का हुआ आयोजन।
आज गुना में जिला स्तरीय कालिदास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जो विद्यार्थी ब्लॉक लेवल पर प्रथम आए थे उन्हें आज जिला स्तर पर भाग लिया। यहां कालिदास की रचनाओं को लेकर नृत्य नाटिका व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साहित्य से जन जन को परिचित कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे प्रदेश में विद्यालय स्तर से लेकर और प्रांत स्तर तक कालिदास समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उस क्रम में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम हुए, वहां से जो विद्यार्थी कालिदास की रचनाओं में जिनमें 3 प्रतियोगिताएँ थी, श्लोक गायन प्रतियोगिता, नृत्य नाटिका और चित्रांकन, उसमें जो सिलेक्टेड होकर बच्चे आए हैं विकासखंड स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हुई उनमें जो प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी हैं वे सब आज जो है जिला स्तरीय कालिदास समारोह में सहभागिता कर रहे हैं, जिसमें आज ये विद्यार्थी जो है सबसे पहले चित्रांकन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, इसके साथ ही श्लोक पाठ प्रतियोगिता में प्रदर्शन करेंगे और नृत्य नाटिका ये कालिदास समारोह पर आधारित कालिदास के विचारों पर कृतित्व व्यक्तित्व को दर्शाने वाली ये 3 प्रतियोगिताएं यहाँ संपन्न होने जा रही हैं, जिसका शुभारंभ आज जो है हमारे जिले के जो है जो प्राचार्य हैं एच के पठान साहब उनके मुख्य अतिथि में तथा उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री अजय निगड़ीकर जी की अध्यक्षता में तथा विभिन्न जो संस्थाओं से विद्वान संस्कृत आए हैं उनकी उपस्थिति में प्रारंभ हुआ है। हाट रोड पर की जा रही है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई। कल हाट रोड पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद आज फिर से ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाट रोड पर दुकानदारों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया था, उन्हें हटाया गया। पड़ेगा।
ग्वालियर टीएस की कार्रवाई में अवैध असला तस्करों को पकड़ा। आचार संहिता लगते ही गुना में अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसना तेज हो गया है। वहीं कल ग्वालियर से आई टीम ने जगत होटल के पास खड़े दो लोगों को पकड़ा, जिनके पास से चार पिस्टल एवं जिंदा राउंड बरामद किए गए। ग्वालियर टीएस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी गुना में बड़ी मात्रा में हथियार खपाने की कोशिश में है, जिसके बाद ग्वालियर से टीएस की टीम आरोपियों के पीछे लग गई थी। गुना आने पर आरोपियों द्वारा बस स्टैंड के पास खड़े होकर हथियार के खरीदारों का इंतजार किया जा रहा था, तभी टीएस की टीम ने आरोपियों को दबोचा। सामने देगी भैया ग्वालियर में है, उनको एक सूचना मिली थी। जो सूचना हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गुना को अवगत कराया गया था, उसके आधार पर एसटीएफ ग्वालियर एवं थाना कोतवाली की पुलिस के द्वारा इन दो आरोपियों को में पिस्टल के गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी पर दो पिस्टल मिली है, दूसरे आरोपी पर भी दो पिस्टल बरामद की गई है। और ये जो है पिस्टल लेके एक तो हड्डी मिल तरफ मिला है और एक बस स्टैंड से शूटरी की तरफ जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। कोई अंजाम देने का तो प्रयास नहीं, इनको बेचने के प्रयास से ये लोग बाहर से कहीं से ला रहे थे, उस आधार पर सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया। पहले भी कोई मामले वगैरह है? अभी ये एक जो आरोपी है वो शूटरी का थाना तेंदुआ का है, तो वहाँ पर उस पर कोई आरोप नहीं है, ना ऐसी तरीके कोई अपराध है। क्या नाम है इनके? एक का नाम है इसका राकेश चराड़ है और दूसरे का नाम है करण बजाज, जो है अपने निवासी रसीद कॉलोनी गुना का है। और ये जो है आरोपी तेंदुआ थाना तेंदुआ जिला शूटरी का है। सार्वजनिक श्री रामलीला समिति पुरानी गल्ला मंडी में कल हुआ सीताहरण का मंचन। पुरानी गल्ला मंडी में चल रही रामलीला में कल सीताहरण का मंचन किया गया। ये क्या? ये मारा है, ये तीर किसी योगी का, ये सीता महाशक्ति है, शक्ति इसी महाशक्ति का। फिर कैसे सिया हरण होगा, यहाँ होता है प्राण। खुद को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले नरेंद्र भदौरिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। विगत दिनों नरेंद्र भदौरिया ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया था कि घनश्याम आदिवासी के कोई भी चेक उसके पास नहीं रखे हुए हैं। साथ ही उसने बताया था कि घनश्याम को उसने उधार माल दिया था। वहीं घनश्याम आदिवासी नरेंद्र भदौरिया के खिलाफ थाने में आवेदन लेकर पहुंचा। घनश्याम ने बताया कि नरेंद्र भदौरिया ने उसे खाली चेक साइन कराकर रखे हुए हैं, जिसके चलते वह कभी भी उसे ब्लैकमेल करता रहता है। साथ ही घनश्याम ने यह भी बताया कि पासबुक भी नरेंद्र भदौरिया के पास ही है। अब देखना होगा कि इस मामले में अंत कैसे होगा और कब। सर, मेरे को भदौरिया जी ने बोला कि आप ये गड़ा बैंक में खाता खुलवा लीजिए और मैं आपको 1.5 लाख का लोन करवा दूंगा।
तो मैंने कहा सर मैंने गड़ा बैंक नहीं देखी, आप बोले हम चलते हैं साथ में। तो मेरे गड़ा बैंक ले गए और खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद मुझे पासबुक मिली वहाँ से। तो पासबुक जब लेते जब मैं भदवे जी के ऑफिस पहुँचा तो भदवे जी बोले तुम बैंक वापस जाओ, वहाँ से चेक बुक लेके आओ। तो मैं जब वापस गया तो बोले हाँ एक बात और बोल देना कि जी कहना कि जब चेकबुक मांगो तो मैनेजर बोलेगा कि चेकबुक काय के लिए चाहिए, तो जी बोलना कि सर मेरे को यहाँ से लोन लूँगा मैं। तो मैंने यही किया वहाँ पर। वहाँ बैंक पहुँचा तो मैंने बोला सर मुझे चेकबुक दे दो। बोले मैनेजर साहब बोले चेकबुक का क्या करोगे, मैंने कहा यहाँ से लोन लूँगा। अच्छा तो एक रजिस्टर पर साइन कराए मेरे मैनेजर ने और मेरे को चेकबुक दे दिया। जब चेकबुक और पासबुक लेके जब भदरिया जी की ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने मुझे बैठने ही नहीं दिया। वो तीन खाली चेक पे मेरे साइन करा लिए, साइन कराने के बाद और रख लिए। मैंने कहा सर मेरा ये लोन कब तक मंजूर करा दोगे, बोले करीब 15 दिन मान लो गई। ठीक है सर। जब 15 और 20 दिन होने के बाद जब मैं आया तो भदरिया जी ने मुझसे कहा कि अभी चेकबुक और तुम्हारा पासबुक जहाँ से लोन मंजूर होगा वहाँ पर लगिए, तुम थोड़ा रुक जाओ। तो जब 6 महीना पूरे हो जाने के बाद जब मैं गया तो लोन नहीं मिला मेरे को। तो मैंने कहा सर मेरा तो 6 महीना होने जा रहे हैं तो अभी तक मेरा कोई लोन फलन नहीं हुआ, अगर नहीं निकलवा पा रहे आप तो मेरा चेकबुक और मेरा पासबुक मुझे वापस दे दीजिए। बोले तू क्या करेगा चेकबुक का और पासबुक का क्या करेगा, वो तेरे काम में नहीं आएगा, वो हमारे काम में आएगा। तो मेरा कहना नहीं, जो तो मेरे दिमाग में बाद में बसी कि मेरा चेकबुक मेरा ही खाता और अगर वास्तव में ही जिनने कोर्ट में लगा दिया तो मैं मर जाऊंगा। ये जुलाई महीने में विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर उसके परिजन परेशान हैं। वहीं कई बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। वर्षा की शादी पिछले वर्ष मई में हुई थी। वहीं विवाह के कुछ समय बाद ही वर्षा की संदिग्ध मृत्यु हो जाने के चलते घर वालों ने इसका शक वर्षा के ससुराल पक्ष पर जताया। वर्षा के पिता के अनुसार उन्होंने वर्षा की मौत के बाद कई बार आरोन थाने एवं राधोगढ़ एसडीओपी के पास चक्कर काटे, लेकिन 3 माह से ऊपर बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं वर्षा के पिता ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है जो दहेज के चलते की गई है। वहीं वर्षा के पिता ने बताया कि उन्होंने वर्षा की शादी में 15 लाख रुपए खर्च किए थे। वहीं वर्षा के पिता आज भी गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। शायद पुलिस अधीक्षक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करेंगे। अब जो भी हो ऑलरेडी 7 साल से पहले अगली साल ही शादी गई 15 लाख रुपए ही भाई मांगो 15 लाख रुपए ही भाई मैंने पुलिस कोर्ट थोड़ी बन जाएगी क्या छोड़ देंगे ये भाई मिलन भट कर रहा हूं मैंने पूरी नहीं ले पाई आधी कर फोन ना रही है पूरी यार ने दोबारा ले लो दोबारा दे देंगे भैया दोबारा बता देना शॉर्टकट में देना रवि पे तुम लगाओगे अपनी आईडी लगा दो भाई मांग मांग के लड़की को मार मार के इतना मजबूर किया या लड़की की हत्या उन्होंने की या खुद किया उन्होंने। मैंने 15 लाख की अगली साल शादी की और आज 3 महीने से मैं परेशान हो रहा हूँ। राहुल वाले एसपी एसडीओ महोदय मुझे आज बुला ले, कल एफआईआर हो जाएगी, परसों हो जाएगी, मैं 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। तो ससुराल कहाँ है लड़की की? ससुराल आरोन में ही थी। थाना कौन से? आरोन थाना था। तो क्या दिक्कत आ रही, क्या बता रहे हैं? वो कुछ नहीं बता रहे, लड़की में 15 दिन आ गई पहुंची थी समझा वो जाके लड़की की मारपीट करते थे दहेज मांग की मांग लेकर। आज 3 दिन है 90 दिन होने जा रहे हैं मैं रोज चक्कर लगा रहा हूँ। तो अभी आप मतलब मैं जाए एसपी ऑफिस में अभी आवेदन कई बार दे चुका हूँ। तो आरन पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? राघोगढ़ भेज दे एसडीओपी साहब जांच के लान कर रहे हैं। एसडीओपी साहब कहाँ जा रहा हूँ राघोगढ़ रोहिना। और आपकी जो बोती बच्ची उसका नाम क्या था? वर्षा यादव। शादी कब हुई थी? अगली साल हुई थी 11 मई 2017। क्या नाम था उनका? उनकी सहबाद पर ससुराल थी उसकी, आरन में ही रहते थे। कल्याण सिंह उसके पति का नाम था, उसके ससुर का नाम लीलम सिंह यादव था और देवर दीपक था और जेठ उसका केपी सिंह यादव है। सबकी आपने एफआईआर की थी ना? सबकी चारों की एफआईआर की थी, चारों के बयान हो गए, चारों की सीडी बना लें सब कुछ। मेरे पास सीडी भी रखी है, जो पांडे जी अनुराग पांडे जी थे उनने सीडी बना ली थी, लेकिन जो नए आ गए एसडीओपी साहब रोज घुमा रहे हैं, मैं डेली जा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।